हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं कविता। मेरे चैनल में फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में सीखेंगे हम इस अम्ब्रेला कुर्ती को एक साड़ी से बनाना, जिसमें से हमने दुपट्टा भी निकाला है और इस कुर्ती को भी निकाला है, क्योंकि ये डबल कलर की साड़ी थी। जो प्लेन पार्ट था उसमें से मैंने दुपट्टा निकाला है और कुर्ती का लुक आप देख ही सकती हैं, काफ़ी घेरे वाली और बहुत ही मतलब प्यारी सी हमारी ये साड़ी की कुर्ती बन के रेडी है। अगर आपके पास भी ऐसी साड़ी है तो ज़रूर बनाइएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि साड़ी में कुछ इस टाइप का बॉर्डर था जिसको मैंने साड़ी से अलग कर लिया है। और ये देखिए, ये डबल कलर की साड़ी है, जैसे कुछ पार्ट तो इसका ऐसा प्लेन है जिसमें से मैं पूरा दुपट्टा ही निकालूंगी। ये लगभग हमारा यहाँ से 2.5 मीटर से थोड़ा सा कम है, तो मैं पूरा दुपट्टा निकालूंगी और बाकी के फैब्रिक से मैं पूरे से कुर्ती ही बनाऊंगी। मतलब इसमें से थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं बचा, पूरा कपड़ा हमारा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने इसमें स्लीव छोटी लगाई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका नीचे का घेरा निकालेंगे और जो प्लेन फैब्रिक है उसको भी हम अलग कर देंगे। तो यहाँ से पहले मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस टाइप का प्रिंट है। तो ये साड़ी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कुर्ती के लिए ही बनी है, तो इसीलिए मैंने इसे कुर्ती ही बना ली, बस एक बार मैंने इसको पहना था। तो अभी हमने क्या करना है, इसको ऐसे ट्रायंगल में कर देना है कपड़े को। और देखिए, आपको जोड़ लगाना है तो आप नीचे थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखिए। अब आपका जितना भी कमर साइज है उसमें सिर्फ 1 इंच मार्जिन लेके यहाँ पे कमर के लिए निशान लगा लीजिए। तो कमर साइज 36 है तो मैंने 1 इंच लेके 10 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ से हम इसको ऐसे गोलाई कर देंगे और इसमें आप छोटी छोटी चुन्नटें भी डाल सकते हैं, उसका भी लुक भी बहुत प्यारा आता है। तो बस अब यहाँ से हम अपना जो टॉप पार्ट है वो माइनस कर देंगे और आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप इसमें निशान लगा लीजिए, पर 15 इंच ज़रूर निकाल दीजिए। तो यहाँ से जो मुझे अपनी कुर्ती की जो लेंथ चाहिए थोड़ी मतलब एक्स्ट्रा ही चाहिए, तो मैंने जो निशान लगाया है 48 इंच से लगभग, मतलब मुझे इतनी ही लॉन्ग में चाहिए, ये मुझे घुटनों से थोड़ी नीचे चाहिए। आप जितनी भी लेंथ में रखना चाहती हैं उस हिसाब से आप इसको अपने पसंद से रखिए। तो हम यहाँ से अब मैंने टॉप पार्ट हटा के सिर्फ एक ही निशान को जितना हमारा बैठ रहा है उतना लेंगे, क्योंकि फिर पूरा इंच टेप 15 इंच तक निकालना फिर थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये ध्यान रखें, ये सर्कल आपका गोल होना चाहिए एकदम, थोड़ा बहुत जो छोटा बड़ा होगा उसे हम बाद में सही कर लेंगे, तो उसमें थोड़ा सा हमारा जॉइंट भी आएगा। तो हमने क्या किया है फ्रेंड्स कि इसमें देखिए इस टाइप से हमारी एक दो छोटी छोटी हम प्लेट भी डाल देंगे और इसमें हमने यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ भी लगा लिया है। सॉरी, यहाँ से वीडियो हमारी मतलब ऑन नहीं कर पाए तो उसके लिए सॉरी। तो अब यहाँ से टॉप पार्ट कट करेंगे, तो हम लेंगे 15 इंच टॉप पार्ट की लंबाई, तो 16 इंच पर हम ऐसे एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम डीप गला बनाएंगे तो हम शोल्डर कम रखेंगे। तो यहाँ से अभी मैंने फ़िलहाल 7 इंच ही लिया है, लेकिन हम बाद में, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है तो जब हम इसे सिलेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो हम उसी में कम कर देंगे। तो हमें 6.5 इंच लेना है अपना शोल्डर, अगर कपड़ा आप थोड़ा अच्छा यूज़ कर रहे हो तो, मतलब ज़्यादा वो नहीं है। और कमर का चौथा हिस्सा उसमें मैंने 2 इंच ज़्यादा ले लिया है, प्लेट भी डालूंगी। और अपनी ब्रेस्ट का भी मैंने चौथा हिस्सा लिया है और उसमें भी मैंने 2 इंच मार्जिन लेके और इसको कट कर दिया है। और कपड़े को मैंने 4 तह में रखा हुआ है ताकि आगे पीछे दोनों पर्दे एक साथ कट जाएं। और फ्रेंड्स, इसमें हम खुली वाली साइड को सारी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ये देखिए सारी ड्राफ्टिंग खुली वाली साइड को की है। अभी हमने अपना जो मेन फैब्रिक है जो हमने बचाया है उसमें से हम अपना जैसे हमने टॉप पार्ट कट किया ऐसे ही उसको कट कर लिया। ये हमारा अस्तर है, सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन अपने उससे मेन फैब्रिक से इसको लगभग 3 इंच ऊंचा रखेंगे और बस सिंपली निशान लगा के इसको कट कर लेंगे। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो तरीका वही है, बस इनको अलग कर लेंगे। अब इनको ऐसे बिछाना है और इसके साथ इसको जोड़ देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि यहाँ से इसको पिनअप कर लेना है। ये देखिए, इसको हमने अस्तर को भी और मेन फैब्रिक को पिनअप कर लिया है। बस अब चारों तरफ को सिलाइयाँ आपको देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, इस तरीके से लगानी है। अब ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है तो इसमें आपको दिख रहा होगा कई बार छोटा बड़ा निकल रहा है, और देखिए शोल्डर वाली साइड से भी कितना कपड़ा कम हो गया है। तो इसीलिए हमने 7 इंच शोल्डर लिया था, क्योंकि ये कपड़ा भले ही आप कितना भी बराबर करके कट कर लो, कितना भी पिन लगा के, ये होता ही है छोटा बड़ा, उस एक्स्ट्रा को कट कर दीजिए। अब ये मैंने 9 इंच लंबा गला लिया है और 3 इंच चौड़ा, बस इसको हमने गोल कट कर लिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है
उसको मोड़ देंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे यहाँ से, एक बीच में निशान लगा देंगे और इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब सेम निशान हमें अपने टॉप पार्ट पे लगाना है। ये हमारा बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट में हमने जो गला है वो थोड़ा स्वीट हार्ट शेप में बनाया है। बस सेंटर में पिन लगा के और इसको हम यहाँ से पूरा सिलाई कर देंगे। ये देखिए, अब इसको ऊपर की साइड घुमा देंगे हम और जो भी मतलब कपड़ा है उसको कट कर देंगे। तो यहाँ से कर दिया है, अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हम अलग कर देंगे। अब इसमें छोटे छोटे हम कट्स लगाएंगे और इसको रॉन्ग साइड को पलट के इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पलट लेंगे पूरे फैब्रिक को। अब मैंने इसके ऊपर तुरपाई कर ली है, फिर से मोड़ेंगे और इसमें प्लेट्स के लिए निशान डालेंगे। तो इसको इस तरीके से बराबर करके मोड़ लेना है। अस्तर भी हमारा सॉफ्ट वाला ही था तो इसलिए दोनों ही कपड़े ऐसे हो गए। 3.5 इंच का गैप देके 5 इंच लंबी प्लेट लगाएंगे। इस तरीके से दोनों प्लेटों को आधा आधा इंच के बराबर डालेंगे। और देखिए फ्रेंड, जैसे बैक पार्ट हम रेडी कर रहे हैं सेम हमें फ्रंट पार्ट रेडी करना है। तो यहाँ से हम इसको आधा आधा इंच की प्लेट को डाल देंगे दोनों साइड को। तो ये हो गई एक प्लेट, अब दूसरी को भी हम सेम ऐसे ही डालेंगे। तो देखिए दोनों प्लेट हमने डाल दी हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें अपना नीचे का घेरा जोड़ेंगे। अगर कपड़ा नीचे से छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको ऐसे आप बराबर कर लीजिए तो, और इसको थोड़ा सा खींच दीजिए। अब हम अपना अस्तर लेंगे और अस्तर के साथ हम अपना जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रखेंगे। तो इसकी चौड़ाई जैसे हमने बहुत कम कट की थी, अस्तर तो हमारा जितना हमने कट किया था उतना ही, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं फैला। और ये साड़ी इतनी सॉफ्ट है कि इसमें हमें छोटी छोटी सी चुन्नटें ऐसे एडजस्ट करनी पड़ेंगे, क्योंकि कम नहीं करेंगे घेरा और भी अच्छा आएगा। क्योंकि साड़ी बहुत ही सॉफ्ट, कहते हैं ना, बहुत सॉफ्ट है, तो कितना भी बराबर करके कट कर लो थोड़ा चौड़ता ही है फैब्रिक। तो यहाँ से देखिए हमने इसको इस तरीके से कर लिया है, मतलब प्लेट दिखाई भी नहीं दे रही और बिल्कुल अच्छे से हो गई। अभी हम बस इसमें अपना जो टॉप पार्ट है वो जोड़ देंगे, आधा आधा इंच का गैप मतलब कपड़ा रख के। और दोनों साइड को हमें मतलब सिलाई है जो वो दोनों तरफ से बराबर ही करके लगानी है। अपना फ्रंट पार्ट भी ऐसे ही जोड़ना है और बैक पार्ट भी ऐसे ही जोड़ना है। तो ये देखिए, बैक पार्ट एकदम सीधा था तो एकदम बराबर आया है, तो यहाँ से बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं है ये। अब बस इसको सीधा कर लीजिए आप, और इसमें आप चाहें तो लटकन लगा सकती हैं। तो ये मेरा फ्रंट गला है। अब इन दोनों का हम शोल्डर जोड़ लेंगे यहाँ से। अब देखिए स्लीव्स है, तो स्लीव्स के लिए मैंने ये बचा हुआ फैब्रिक था उसको जोड़ के लिया है, क्योंकि स्लीव्स के लिए फैब्रिक बहुत कम रह गया था। अब ये लेस हमने दुपट्टे पे भी लगाई थी, इसको हमने बाजू पे लगा दिया है। बस सिंपली बाजू को हम जोड़ देंगे, क्योंकि इस फैब्रिक से में से तो बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा था। थोड़ा सा जो साड़ी की चौड़ाई ज़्यादा थी उसमें से मैंने एक पट्टी निकाली थी 12 इंच लंबी, उसमें से हमारी बाजू निकली है। वरना बाजू के लिए भी इसमें से जो प्रिंटेड कपड़ा है साड़ी का उसमें नहीं बचा था। तो हमने इस तरीके से इस कुर्ती को बनाया है। अगर आप हेल्दी हो तो आपका दुपट्टा नहीं बन पाएगा, क्योंकि दुपट्टा जो साड़ी है उसमें से कपड़ा हाँ बच जाएगा, आपका पूरा नहीं लगेगा, बट हाँ दुपट्टा नहीं निकलेगा। थोड़ा कोई जैसे मेरे जैसी है तो उसका दुपट्टा भी निकल जाएगा और स्लीव्स इतनी ही निकलेंगी। और ये काफ़ी लंबी साड़ी थी मेरी, ऐसी बात नहीं है कि छोटी थी। बस अब चारों पार्ट्स को बराबर करके जितनी भी आपकी फ़िटिंग है उस हिसाब से बॉटम तक दोनों साइड को फिटिंग की सिलाई लगा दीजिए। देखिए चारों पार्ट को एक साथ पकड़ेंगे, क्योंकि हमने चारों पार्ट की बराबर करके कटिंग की थी, तो इसीलिए हमें चारों पार्ट को बराबर करके, अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको बराबर करके कट कर लीजिए और इस पर पीको करा लीजिए। तो देखिए बनने के बाद का लुक है। नीचे से मैंने इसलिए नहीं मोड़ा क्योंकि मैंने इस पर पीको कराई है, अस्तर पर भी और मेन फैब्रिक पर भी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।